जय श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। आज का समय कुछ ऐसा चल रहा है कि आज हर इंसान की समझ में ये बात आ रही है कि कौन उसके साथ खड़ा है और कौन उसके खिलाफ। आज का इंसान जब अज्ञानता की पट्टी अपने आँखों पर बांध कर खड़ा हुआ है, जिसके कारण उसके साथ धोखे पर धोखे होते चले जा रहे हैं। हर कोई उसे चीट कर रहा है, लेकिन वो है मानने को तैयार ही नहीं। अब जैसे जैसे कलयुग में समय आगे की ओर बढ़ता जाएगा, कल्कि अवतार द्वारा दिए गए क्लियर इंडिकेशन को लोग समझते जाएंगे और तब समझेंगे कि वास्तव में जिन्हें समझा था अपना, वो निकला बेगाना। क्योंकि जिसने रिश्ता जोड़ा, उसने अपने स्वार्थ और लालच के लिए रिश्ता जोड़ा, वास्तव में उसके दिल में उस इंसान के लिए ना इज्जत ना प्यार, बल्कि हर रिश्ता सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ में लिप्त। इसलिए कहा जाता है कि परिवार का एकजुट होना बहुत ज़रूरी होता है और परिवार ही वो नींव होती है जहाँ पर हर इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन आज का इंसान परिवार को छोड़ बाहर की दुनिया में कुछ इतना रम गया है कि उसके दोस्त, उसके साथी, उसके ग्रुप के लोग, यदि वो किसी संस्था से जुड़ा हुआ है तो वहाँ के लोग उसे लगते हैं बेहद ख़ास और बहुत अपने। लेकिन जब वक्त आता है बुरा, ऐसे ही साथी जिनके लिए वो मर मिटने को तैयार था दे जाते हैं धोखा, और तब उसे समझ में आता है कि वास्तव में उसने कितना गलत निर्णय लिया था ऐसे लोगों के साथ रिश्ते जोड़कर। आज राम जी पर, कृष्ण भगवान पर लोग उंगली उठाने से पीछे नहीं हटते। वो असुरी प्रवृत्ति वाले भक्ति जो कि समझते हैं कि वास्तव में राम की ताकत क्या है, लेकिन वोट बैंक का नशा ऐसा होता है जो उन्हें किसी भी हद तक गिरा दे रहा है और अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए इंसान आज भूल जा रहा है कि वो खुद के लिए कितना बड़ा विनाश का गड्ढा खोदता जा रहा है जिसमें वो एक ना एक दिन दफन हो जाएगा। यूपी में जल्दी ही वो दिन देखने को मिलेगा जब योगी आदित्यनाथ के अनुसार कोई भी क्राइम नहीं बचेगा। लेकिन जहां एक ओर यूपी के सीएम ये दावा करते हैं कि वहां पर क्राइम में बहुत कमी आई है, वहीं पर आए दिन कोई ना कोई ऐसा वीडियो आ जाता है जिसमें यूपी के शासन व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। एवं साथ ही एमपी में भी ये, जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि शासन व्यवस्था बहुत प्रॉपर चल रही है, वहीं पर अचानक कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है जो उनके शासन प्रणाली के ऊपर सवालिया निशान खड़ी कर देते हैं। रिसेंटली एक वीडियो में मैंने देखा, कल या परसों, एमपी में ही एक जगह जहाँ पर कि सैकड़ों की तादाद में, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, सैकड़ों की तादाद में डेड बॉडीज गायों की रखी गई हैं सजाकर ज़मीन के ऊपर। अचानक से कहां से आ गई इतनी सारी लाशें, यानी किसी ने जानबूझकर या तो गायों को मारा है, तस्करी करने के लिए लेके जा रहे थे, या तो कोई विषैला पदार्थ उन्हें खिलाया गया। अचानक से, अभी कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं है, कोई दैवीय आपदा नहीं है कि जिसमें गायों की मौत हो रही है, अचानक से इतनी सारी गायें कैसे मर जाती हैं एक साथ, और उन गायों की लाशों को कौन रातों रात रख गया एक ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, लेकिन पड़ी किसी की नज़र और उन्होंने सीएम के पास जाकर ये खबर पहुँचा दी। आज लोग समझ रहे हैं कि क्राइम कम होता जा रहा है, लेकिन साइबर क्राइम की ठगी एक से एक बढ़कर बढ़ती चली जा रही है। लोग साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, किसी के अकाउंट से पूरा पैसा गायब, किसी के आधार कार्ड या पैन कार्ड लेके बैंक एम्प्लॉय के नाम से फ़ोन करते हैं और ठगी के वो शिकार हो जा रहे हैं। सामने वाला इंसान ऐसा भी नहीं कि अनपढ़ गंवार है,
पढ़ा लिखा है इसके बावजूद भी, लेकिन जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो रामचरित मानस पर उंगली उठाने वाले लोग हों, चाहे वो साइबर क्राइम करने वाले लोग हों और अपनी झोली भरने वाले लोग हों, चाहे वो गायों को मारने वाले लोग हों, अपराध तो अपराध होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का अपराध हो। और अब जैसे जैसे अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ नीचे आएगा, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी क्राइम का ग्राफ नीचे आएगा। तो जैसे जैसे अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंचता जाएगा और जितने भी अपराधी क्राइम करने वाले ऐसे ऐसे अपराध को अपने नए नए मंसूबों के द्वारा पहुंचाएंगे मंजिल तक, अब उस मंजिल से घसीटकर उन्हें नीचे लेकर आएंगे कल के अवतार, क्योंकि अब देवताओं और असुरों के बीच छिड़ चुकी है वो जंग जिसमें जीत होनी है सत्य की और झूठ को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन लोग आज भी ये मानने को तैयार नहीं हैं कि ये जो युद्ध अच्छाई और बुराई का चल रहा है या पाप और पुण्य का चल रहा है वो इस डिकेड में कंप्लीट नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, मैंने जहाँ तक रिसर्च वर्क किया, इतनी जल्दी क्राइम फ्री युग नहीं आ सकता, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। लोगों ने जिनको वो फॉलो करते हैं उनके द्वारा उन्हें बतला दिया गया है कि 27 तक या 26 तक सब कुछ शांति भरा वातावरण इस दुनिया में आ जाएगा, इतनी जल्दी पीसफुल एटमॉस्फियर इस युग में आना पॉसिबल नहीं है और इतनी जल्दी सतयुग का आगमन भी होना नहीं संभव है इस पृथ्वी पर। अभी करना पड़ेगा इंतज़ार, क्या महाभारत युद्ध में पांडवों को श्री कृष्ण ने बेहद जल्दी दिला दी थी जीत या बेलने पड़े थे पांडवों को भी पापड़। अभी अभी देखिए, आगे आगे देखिए, अब तो बहुत सारे अभी ऐसे ऐसे खुलासे होंगे कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में ये किसकी जीत है और किसकी हार। सुप्रीम कोर्ट भी केस के बारे में निर्णय देते देते अब थक रहा है और संदेश खाली केस को उसने लेने से इनकार कर दिया और सीबीआई और ईडी के द्वारा जांच करवाने के लिए उसने कह दिया है। क्योंकि अभी रिसेंटली चंडीगढ़ में मेयर का जब चुनाव हुआ उसमें धांधलेबाजी आ गई, हर जगह आज धांधलेबाजी चल रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो चाहे कोई भी हो, नाक के नीचे सारे क्राइम्स होते हैं लेकिन हर कोई यही कहता है कि नहीं है क्राइम, क्राइम का ग्राफ नीचे जा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, जबकि वास्तव में देखा जाता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकती हूँ कि बाहर वालों की तुलना में, विदेशों की तुलना में हमारा देश फिर भी बहुत शांतिप्रिय है। हालांकि हमारे देश में भी आंदोलन बहुत चल रहे हैं, हमारे देश में भी जहाँ एक तरफ मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन, कहीं पर किसान आंदोलन, कहीं पर महिलाएं पीड़ित हो रही हैं संदेश खाली में, इस तरह से हमारे देश में भी उठापटक मची हुई है, फिर भी जो हालात बाहर हैं वो हमारे देश में नहीं है। तो कल के अवतार का क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, अब असुरों को डाल रहा है अब उनमें उलझन और ला रहा है उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस कि किस तरह से वो अपना बचाव करें, क्योंकि चारों तरफ से जब घेराबंदी कल की सेना कर लेगी तब बचने का कोई रास्ता असुरों के पास भी नहीं होगा और उन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।